नमस्कार दोस्तों, रिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र आपको आज बताने वाला हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन पहचान ऐप ओपन करते हैं। पहचान ओपन करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके और जो भी अपनी कंडीशन है टर्म एंड कंडीशन इस एप्लीकेशन की उस पे क्लिक करके उसको एक्सेप्ट करके और प्रोसेस कर देते हैं। इसके बाद में देखो, बर्थ का तो मैंने आपको बता दिया था जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आपको आज मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बताते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई किया जाता है। तो मैरिज पे क्लिक करते हैं। मैरिज पे क्लिक करने के बाद में हिंदी, इंग्लिश और बोथ यानी दोनों भाषा में अपन अप्लाई कर सकते हैं। और ये है अपडेट एप्लीकेशन, जो आपने पहले एप्लीकेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था उसमें कुछ बाय मिस्टेक कुछ गलती हो गई, तो उसको अपडेट एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो अपन ये जो प्रोसेस है वो सेम ही खुल जाएगी और इसमें जो आप एडिशन करना चाहते हो वो एडिट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अपन फ्रेश एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, तो उसके लिए अपन को जिस दिन विवाह हुआ था वो डेट, जैसे 7 जनवरी 2020 मान लीजिए, 7 जनवरी 2020 को विवाह हुआ था। अब यहाँ पे विवाह स्थल का पूर्ण पता वो हिंदी में लगाना है, जो भी है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद में विवाह स्थल का या फिर गांव शहर जो भी है उसका अंग्रेजी में यहाँ पे आप नाम डाल देंगे। उसके बाद में आप जिला, अगर गांव से हो तो ये गांव पे क्लिक करना है, अगर शहर से हो तो शहर पे क्लिक करना है। जैसे गांव से है तो जिले का नाम सेलेक्ट करते हैं। जैसे जिला मान लीजिए आप जयपुर मान लीजिए, जयपुर में अब ये जयपुर में भी पंचायत समिति दिखाएगा। जयपुर में जैसे मान लो पावटा पंचायत समिति है, पावटा पंचायत समिति पे क्लिक करने के बाद में अब ये गांव जो भी गांव है या पंचायत वो पंचायत पे क्लिक कर देना है। जैसे बुरीबड़ाज मान लेते हैं, बुरीबड़ाज पे क्लिक करने के बाद में अब पंचायत में भी आजकल तो गांव बुरीबड़ाज पंचायत में केवल एक ही गांव है, जो खुद बुरीबड़ाज एक पंचायत है। वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वर का नाम हिंदी में, वर का नाम अंग्रेजी में, वर की आधार संख्या, वर जो वर के जो फैमिली में आईडी भामाशाह क्रमांक है या फिर नामांकन है वो यहाँ पे लगा के क्लिक कर देना है। वर के पिता का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, वर की माता का नाम इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश में, वर की डेट ऑफ बर्थ है जो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जैसे कि भारत की विवाह है कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से 21 से कम का वर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में वर के घर का पता, वर के घर का पता जो अंग्रेजी में उसका देश है, जैसे भारत का है तो भारत का और अन्य का है तो अन्य पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो भी उसका स्टेट है, जो भी उसकी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह लगा के यहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्क के गवाह का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, वर्क के गवाह के घर का पता हिंदी में, अंग्रेजी में, उसका जो घर वो है जो कौन से देश में है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको ये सब सेलेक्ट कर देना है। और जैसे जो भी है, जो भी मान लो आप गवाह कहाँ के हैं, पंडित जी कहाँ के हैं, वो यहाँ पे सब क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
वर्क की डिटेल फिल अप करने के बाद में जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में वधु की डिटेल मांगता है। वधु की डिटेल भी वैसे ही है, हिंदी में, अंग्रेजी में नाम, वधु का आधार संख्या, वधु के पिता का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी में, वधु की माता का नाम हिंदी में, वधु की माता का नाम अंग्रेजी में, वधु की डेट ऑफ बर्थ, ये 18 से कम नहीं होनी चाहिए वधु की डेट ऑफ बर्थ, वधु की घर का पता, जो उसका होम एड्रेस है वो हिंदी में, इंग्लिश में, वो किस देश से, उस देश जैसे भारत से है तो, जैसे भारत से है तो भारत पे क्लिक करके स्टेट लगा देना है, स्टेट जैसे राजस्थान ही मान लो, उसके बाद में जैसे जिला जयपुर ही मान लो आप, वो लगा के पिन कोड लगा देना है, मोबाइल नंबर लगा देना है, मोबाइल नंबर अगर सेम रखना चाहो तो जो वर्क का वो रख सकते हो, अगर वधु का अलग से देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, वधु के गवाह का नाम, वधु के गवाह का नाम या तो उनके पिताजी या उनकी माताजी या फिर पंडित जी, लेकिन वो जो वर्क का जो गवाह बना था वो अलग होना चाहिए, वर का अलग होना चाहिए और वधु का अलग होना चाहिए। उसके बाद में वधु के गवाह का नाम अंग्रेजी में, वधु के गवाह का घर का पता, और ये हिंदी अंग्रेजी में हो गए, ये उनका देश हो गया, देश के बाद में उनका स्टेट, स्टेट के बाद में उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो जिला अपने को यहाँ पे लगा के वर्क, ये जो गवाह है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल अप कर देना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आवेदक की जानकारी, जो आवेदन कर रहा है उसकी जानकारी, जो वर वधु की संयुक्त फ़ोटो अपलोड भी करनी है यहाँ पे, यहाँ पे आवेदक वर भी बन सकती है, वर भी बन सकते हैं और वधु भी बन सकती है। यहाँ पे हिंदी में जो भी आवेदन करता है उसका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में आधार, उसके हिंदी और अंग्रेजी में उसका घर का पता, देश, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा के, और जो यहाँ पे कैप्चा कोड है, जो कैप्चा कोड इसके अंदर एंटर कर देना है। जैसे ही आप ये सब डिटेल फिल अप करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे ही अपन सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे विवाह पंजीकरण आवेदन की जो भी आपने डिटेल फिलअप की है उसके बारे में ये सब एक साथ दिखा देगा कि आपने जो भी डिटेल फिल अप की है वो यहाँ पे सब सही है या गलत है, वो यहाँ पे एक बार चेक कर लेनी है, पूरे अच्छी तरीके से चेक करनी है, उसके बाद में ही आगे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन की जो भी आईडी यहाँ से जनरेट होती है वो आपको जनरेट करके देती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देके जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं कि वीडियो में क्या मिस्टेक हुई है और क्या कमी रह गई है, तो वो हमें आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप राइट करके लिख के आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे रिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर ना भूलें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।